हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम नवरात्रि स्पेशल गुलाब जामुन बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको और आपके फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी ऐड किया है और पानी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। अगर आपको चाशनी ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने स्वाद अनुसार चीनी को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 इलायची और करीब 3 से 4 ड्रॉप नींबू का रस। यहाँ गैस का फ्लेम जो है आपको लो रखना है, और याद रखें चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी नहीं पहुँचेगी। हमारा चाशनी जो है रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम गुलाब जामुन का आटा रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम खोया लिया है, यानी कि मावा, और इसको मैंने घर में ही बनाया है। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम छेना लिया है। अगर आपको जानना है कि ये छेना मैंने कैसे बनाया है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, वहाँ आपको मेरा छेना वाला वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे करीब 2 चम्मच मैदा। आप चाहे तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच गरम दूध ऐड करेंगे ताकि हमारा डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। तो हम डो बना लेते हैं। सॉफ्ट डो जो है वो हमारा रेडी है। अब इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है, और हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें ताकि इनको राउंड शेप देने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसमें किसी तरह का क्रैक ना आए। इस तरीके से आपको करना है और राउंड शेप देना है बिल्कुल इसी तरीके से। मैंने बाकी का भी रेडी कर लिया है। अब चलिए इसको हम ऑयल में फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ गैस का फ्लेम जो है वो लो रखें, और याद रखें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब ये हल्का गर्म हो जाए तभी हमको गुलाब जामुन को फ्राई करना है। अब मैं एक एक करके ऑयल में इसे डाल देती हूँ। यहाँ गैस के फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो गुलाब जामुन बाहर से फ्राई होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप गुलाब जामुन ऑयल में डाल देंगे तो गुलाब जामुन को हिलाना नहीं है। आपको सिर्फ ऑयल को इस तरीके से हिलाना है ताकि गुलाब जामुन हर एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो। देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको हम चाशनी में ऐड करेंगे। याद रखें चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, और इसके ऊपर हम कोई कटोरी रख देंगे ताकि गुलाब जामुन जो है वो रस के अंदर तक रहे। 2 घंटा बाद हमारा गुलाब जामुन जो है वो रेडी है। इस नवरात्रि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।